बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और जी आज है हमारे घर में चौथा दिन अल्हम्दुलिल्लाह। और आहिस्ता आहिस्ता आपको पता जब ना शिफ्टिंग होती रहे तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान अपने घर को सेट करता है, एकदम से सेट नहीं हो सकता। अभी मैंने एसी वाले को फ़ोन किया क्योंकि गर्मी यहाँ पर बहुत है, उस घर में भी बहुत गर्मी थी, इस घर में भी बहुत गर्मी है। तो उधर तो ये ना कि हवा बहुत आती थी ना, तो इतना वो नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर ना हवा नहीं है। ये देखिए यहाँ से थोड़ी बहुत जो ना इन झरनों से हवा आती है, वरना इतनी हवा नहीं है। लेकिन ये घर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, ठीक है। और ये ना मुझे रास भी बहुत है, ठीक है। तो घर जैसा भी हो लेकिन रास आने वाली बात होती है, ठीक है ना। महल में भी इंसान रह रहा होता है ना, तो होता है कि भाई वो रास नहीं आता घर, तो उसे छोड़ना पड़ता है। तो फिर यहाँ पर जो ना मैंने एसी वाले को फ़ोन किया, तो एक को मैंने फ़ोन किया तो उसने कहा कि मैं ना अभी आ रहा। फिर दोबारा मैं उसको फ़ोन किया तो आधे घंटे के बाद, तो फ़ोन नहीं उठाया उसने। तो आजकल आपको पता है कि ना एसी वाले जो है वो बेचारे खुद भी इसी मौसम में जो ना कमा रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या बना रही हूँ, अभी मैं बना रही हूँ आलू वाले चावल, क्योंकि गर्मी इतनी है, सड़ी गर्मी है। साथ में जी मैं बनाऊँगी चटनी जो मेरी अम्मी बनाया करती थी। तो जब भी वो चटनी बनाती ना तो मुझे अम्मी की याद आ जाती है। अब तो ना अबू रहे ना अम्मी रहे, बस जब उनकी याद आती है तो आपको पता ही है कि माँ उसके के नहीं होते तो फिर क्या होगा। खैर तो यहाँ पर जो ना मैं लाइटें बंद कर देती हूँ इसलिए कि बिल बहुत आएगा, सीधी सी बात है। अच्छा यहाँ पर जो है ना फ़ैन चला दिया मैंने, इसलिए कि गर्मी इतनी हो रही है, इतनी हीटअप हो रही है। तो यहाँ पर जो खाना बन रहा है वो मैं आप लोगों से करूँगी शेयर, ठीक है। और अपनों का खाना यहाँ रखा हुआ सही, और अपनों का पानी और वो ना क्या कहते हैं उसको, इसका खाना वो रख देती मैं यहाँ पर। और यहाँ प्रो भी बैठी हुई थी फ्रिज के नीचे ना, यहाँ बैठी हुई, अभी उठ के वो अंदर चली गई है, इसलिए कि बच्चे वहाँ पर सो रहे हैं। अब वो गर्मी में, अब लाभी को जो आदत है वो है एसी की, ये बड़ी गंदी आदत होती है। एसी वालों को जो है ना वो फिर इंसान रह नहीं सकता, यकीन करेंगे आप। मेरे दोनों बच्चे से झुलस के रह गए हैं। खैर यहाँ पर जो ना ये मैं बना रही हूँ आलू वाले चावल, तो प्याज ऑयल मैंने इसमें ऐड कर दिया था, और प्याज ऐड करेंगे इसमें, और इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, थोड़ा सा लाइट ब्राउन रखेंगे, ठीक है। और साथ में मैं आपको सब चीज़ें दिखा देती हूँ कि कौन सारी चीज़ें क्या करेंगे। अच्छा वो किचन जो ना था बड़ा तो था लेकिन सुकून नहीं था उसका, मुझे ये छोटा सा ही है लेकिन देखिए कितना अच्छा बना हुआ है ना, यहाँ के पेड़ लगे हुए सारे और ऐड कर रहे हैं सारा। अच्छा लग रहा है ना, यहाँ पर जी लाइट करेंगे ब्राउन प्याज को, और साथ में चटनी सलाद ये बनाऊंगी, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, सड़ी गर्मी पड़ रही है। पता नहीं कराची में बारिश कब होगी, ये भी पता नहीं है अभी कि बारिश कब होगी। हल्की सी अल्लाह तला जो ना उनका नलका अपना छोड़ देता है, फिर उनको बंद कर देता है। या तो कराची वालों को जो ना पानी नहीं देना हम लोगों ने, खैर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बात हो रही थी मेरी। यहाँ पर थोड़ा सा मैं तेज़ कर देती हूँ चूल्हा, और यहाँ पर जो है ब्राउन करूँगी, लाइट करूँगी प्याज। और ये है जी आलू जिसको मैंने काट लिया था, जैसे दिल करे आप वैसे उसकी कटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने तो ऐसे काट लिया, ठीक है। और साथ में क्या है ये गोल गोल से ना एक आलू को मैंने चार रूप में काट लिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, अच्छा मैं ब्लॉग बना रही हूँ ना, कितना अच्छा लग रहा है, ये रेड कलर का भी आ रहा है यहाँ पर, अगर ये वाइट होता ना फिर बड़ा अच्छा लगना था। खैर जैसे जैसे रहेंगे वैसे चीज़ें होती रहेंगी। तो यहाँ पर मसाला है, कुछ टमाटर हैं और मिर्चें हैं, हरी मिर्चें हैं, कुटी हुई मिर्चें हैं, हल्दी पाउडर, अगड़ मगड़ अगड़ अगड़ सही ना, बहुत देर हो जाएगी फिर बताने में, ठीक है। ये मैंने बॉइल कर लूँ चावल जो है मैंने भिगो कर रख दिए थे, और यहाँ पर जो ना ये हरा धनिया, हरी मिर्चें और मिर्चों की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। तो यहाँ बनाऊँगी मैं चटनी, और उससे पहले जो है ब्राउन होते हैं हल्के से, सोचे करूँगी प्याज को, और फिर जो है उसको फूट रहे इसकी आवाज़ आ रही है डम 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 ऊपर वाले। चलो जी अब घर देखो कितना कितना प्यारा लग रहा है, साफ़ सुथरा और कितना अच्छा लग रहा है ना, साफ सुथरा। और मैं हर वक्त अपने घर में, जब भी मुझे आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं बहुत काम करती हूँ, मैं हर वक्त अपने घर में लगी रहती हूँ। मुझे जाले बिल्कुल नहीं पसंद, गंदगी जो होती है ना वो जाले जो होते हैं ना, ये जो भी मेरा वीडियो जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उनसे लेडीज़ को मैं यही बोलूँगी कि आप अपने घर में ना जाले कभी ना रखिएगा, उसमें क्या होता है नुसरत होती है, ठीक है। अच्छा ब्राउन लाइट से मैंने कर लिए ब्राउन प्याज को, और यहाँ पर जो है अभी सारा मसाला ऐड कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा डालूँगी मैं पानी, और क्यों ऐड करूँगी इसलिए थोड़ा सा इसमें जो मसाला था ना ये
इसमें चिपक गया। एक टमाटर आ गया। चलो जी, अब यहाँ पर जो है हल्का सा इसको भुनेंगे, इतना नहीं भुनेंगे हम इसको, ठीक है ना। ये वाले जो आलू वाले चावल होते हैं ना, ये बड़े मज़ेदार वाले बनते हैं, तो आलू ऐड कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, और अभी जो है पानी डाल के इसमें हमने क्या करना है, इसको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, बस डालेंगे इसमें पानी ताकि आलू जो ना ये भी जाए, ठीक है। चले जी, करना कुछ भी नहीं है अभी, हल्की आंच में इसको आलू गल जाएंगे और फिर जो है चावल ऐड कर देने हैं और साथ में बनाऊंगी चटनी। और अभी बच्चे जो सो रहे हैं, पंखा यहाँ पर मैंने क्यों लगा दिया था, गर्मी इतनी हो रही थी ताकि जो भी ना गर्माइश है ना वो बाहर निकले ना। तो यहाँ पर जो ना आपको बताऊँ मैं, ये खिड़की है ना यहाँ पर ऊपर जो झरने हैं उसको मैंने बंद करना है, क्यों वहाँ से ना जो ना चूहे आते हैं, ये भी मैंने इसकी ना जाली लगानी है। तो मैं आज ही लगाऊँगी जाली भी। एसी वाला आ जाए ना तो गर्मी थोड़ी सी ख़त्म हो जाए, क्योंकि बच्चे सो नहीं पा रहे हैं, वो गर्मी बहुत लग रही है, क्योंकि धूप देखो कितनी हो रही है, ये देखें यहाँ से कितनी धूप हो रही है ना, तो इस वजह से ना बच्चों को ना नींद नहीं आ रही, बेचारे परेशान हो रहे हैं। तो कटरी लाभी ने कटरी बांध के रखी है, जो कपड़े इसने नहीं पहने ना वो निकाल के रखे हैं, कि कोई आएगा, कोई गरीब आएगा, कोई मासी वासी जैसे होती है, तो हमने किसी को बोला था, मैंने कहा भाई यहाँ के वो ले जाए, हम बाहर रखेंगे तो कोई ना कोई उठा के ले जाएगा, तो ऐसा नहीं है, हमने उसको देने हैं जिसके काम आ जाए, है ना। तो पुराने कपड़े थे वो मैंने निकाल दिए, और यहाँ पर जो ना बच्चों के मेरे सेट कर दी अलमारी, ठीक है, ये मेरे भी है मेरे बच्चों के भी है। तो एक एक खाना जो ना हमने ले लिया, एक खाना लाभी का, मेरा, आमना का, तो हम लोगों का, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है, अभी और बहुत कुछ है, खाना पूरा दिखाऊंगी आज आप लोगों को, क्योंकि जब से मैं इस घर में आई हूँ मैंने खाना नहीं बनाया था, नहीं परसों बनाया था, ठीक है, आलू और पालक बनाया था, ठीक है ना। तो परसों बनाया था मैंने आलू और पालक, क्योंकि मैंने बाज़ार का खाना मेरे से नहीं खाया जाता, क्योंकि ना मेरे ना यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इस वजह से मैं ना ये बाहर का खाना नहीं खाती। तो अभी जो ना और भी बहुत कुछ है व्लॉग में, जाएगा नहीं मेरा, मेरी वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है, वॉच करनी है, ठीक है। और अभी जो है व्लॉग में बहुत कुछ है, यहाँ जी आपको दिखाते हैं कि चावल कैसे बने हैं, निकले ना, ये देखिए जी, दूसरी बार यहाँ पर खाना बना रही हूँ मैं अपने घर पे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खाना पकता रहेगा, हर चीज़ बनती रहेगी, आप लोगों से शेयर करती रहूँगी, ठीक है जी। और यहाँ पर आ जाए, ये मैंने चटनी के लिए जो ना हरा धनिया, टमाटर, प्याज और ये हरी मिर्च, बस इसको सब चीज़ों को जो ना चटुवटे में, ये रहा हमारा चटुवटा, ठीक है, ग्राइंडर में नहीं पीसना, नहीं तो ये ना बिल्कुल ही पीस जाएगी और फिर मसे की नहीं बनती। इसको ना चटुवटे में या फिर सिल पे पीसते हैं, विसिल नहीं है मेरे पास, और ना वो भी नहीं है, क्या कहते हैं उसको, होता है ना बट्टा, वो भी नहीं है। तो आपके घर में अगर चटुवटा है तो फिर इसमें ना चीज़ें जितनी मकदार में आपने चीज़ें लेनी है वो ले लीजिएगा, और इसको जब बनाएंगे कूट के तो तब ये बहुत मज़े की बनती है, ठीक है, लेकिन हाथ का जायका होना चाहिए। आपको पता है हाथ के जायके में, मशीन के जायके में फ़र्क होता है। तो बस मैं ना ये बनाऊँगी, क्योंकि ये चटनी मैं जब भी बनाती हूँ ना तो मुझे आती है अम्मी की याद, तो अम्मी मेरी अक्सर बनाया करती थी, तो मैं ना स्कूल से जब आती थी ना तो ना सूखी रोटी के साथ भी यकीन करें मैं खा लिया करती थी, क्योंकि इतने मज़े की बनती है ना ये, टमाटर इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे ना तो बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है। ये हमारा घर देखो कितना अच्छा लग रहा है, प्यारा प्यारा सा, सोना सोना सा, साफ सुथरा हर चीज़ मैंने, और मेरे बच्चे भी पता है काम में लगे रहते हैं, मेरी लापी, अमना और अनम, मतलब सब मेरे बच्चे ना काम में लगे रहते हैं, क्योंकि अच्छी बात होती है, बच्चे को सिखाना चाहिए घर गृहस्थी, क्योंकि अपने घर पर जाना होता है उन लोगों ने, ठीक है जी। तो बने रहिएगा मेरे साथ, और रोज़ की जो वीडियो होती है वो देखा करें मेरी, और आपकी मदद से जो ना मेरी मदद हो जाएगी, ठीक है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, समय बटन दिया बेल वो भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो मेरी वीडियो हो सबसे पहले आप लोग बोलेंगे, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खाएँ पिए, मौज करेंगे, यही ज़िंदगी। और अभी जो है वो आ रहा है एसी वाला, भी कब आएगा, अब मैं वीडियो तो अपने अपलोड कर रही हूँ, ठीक है, कब आएगा कब नहीं आएगा, जब भी आएगा आज के दिन में ही एसी लगाऊंगी, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे और बताएंगे कौन है वो जो एसी लगा रहा है, ठीक है। और कल की वीडियो में वो देख लीजिएगा आप,
आज की वीडियो जो थी वो मेरी यही थी, सारा ब्लॉग आप लोगों को मैंने दिखाया, ठीक है जी। आप लोगों को आई होप के पसंद आएगा, ठीक है। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।